उनके पास चाय मिलता है, पानी कम चाय, और खाने के लिए तीन आइटम ब्रुन मस्का बन पाओ, कौन जाएगा? अब वो शेट्टी ने अपने को इडली खाना सिखाया, मारवाड़ियों को मालूम था कि इडली सिखाया इसको, इडली खा के कंटाल गया, बोला अन्ना कुछ नया करो, बोला उसमें क्या नया करने का रहा है, वो इडली को होल मारने का, फ्राई करने का, मैं हिंदू बड़ा, नाम मेंदू है, मेंदू मतलब ब्रेन, लेकिन बनाने में कोई ब्रेन नहीं लगता। फिर ये बोला अन्ना कितना दिन मेंदू वड़ा खाया, नो प्रॉब्लम रहे, उसी को क्या करने का, वो आटा लेने का, बैटर बैटर उसको ऐसा घुमाने का, और एक तरफ कांदा टमाटर मिर्ची डालने का रहे, उल्टा पलटा करने का, उत्थप्पा। फिर ये लड़की बोली अन्ना कितना दिन उत्थप्पा खाए, नो प्रॉब्लम मैडम, और पानी डालने का, पतला बनाने का, ऐसा लंबा घुमाने का, और उसको ऐसा वो क्या करते हैं, वो लपटी मारने का, वो प्लेट इतना रहता है, आधा इधर आधा इधर, और उसका ग्राम 40 ग्राम के ऊपर, एक ग्राम भराना तो कल से ट्रेनिंग बंद। क्या है, पेपर डोसा। फिर ये बोला अन्ना पेपर, नो प्रॉब्लम, कल का बचाओ बटाटे का भाजी है, डाल देते उस मसाला डोसा, निकाल डाल सादा डोसा है क्या, डिड ही नॉट चेंज। पहले उनका खाने का आइटम था एक प्लेट और कई कटोरियां, यू कैन काउंट 17-18, वो दास प्रकाश में मैं गया था, 39 कटोरी उधर बंगलोर मैसूर में, और कौन सी कटोरी में एग्जैक्टली क्या है भगवान भी नहीं पता था, देन ही रियलाइज चलता नहीं है। देन पंजाबी का क्रेज आया, तो अन्ना बनाता है कि नहीं पंजाबी, छोले भटूरे पनीर पालक मटर मलाई मेथी यम 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 बनाया आपने क्या बाप का। फिर वो भी गया, तुम लोगों को क्या चाहिए, चाइनीज, बोलने को नहीं आता, चाइनीज वेजिटेबल हक्का नूडल, और उसका वो हक्का नूडल अगर ओरिजिनली चीनी आदमी ने खाया ना, यहां से नीचे जंप मार के सुसाइड करेगा, पता नहीं किसमें क्या डालते हैं। फिर वो बर्गर पिज्जा भी बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है। फिर मेरे पास आया, बोला काबरा जी फिर भी धंधा नहीं चलता, बोला क्यों रे, खाना खाने के लिए कोई नहीं आता था, खाना खाने के पहले होना, 90% होटल हैव बीन कन्वर्टेड इनटू बियर बार, और बॉम्बे का शेट्टी एक कदम आगे है, वो क्या बोला, दारू पिलाने वाला नहीं पिलाने वाली चाहिए। सो द पॉइंट इज, शुड यू नॉट चेंज एज पर चेंजिंग टाइम, यू कैनॉट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको बताता हूं, यू कैनॉट रिमेन इन मार्केट टुमारो बाई यूजिंग यस्टरडेज टेक्नोलॉजी, यू हैव टू चेंज। Change is the only constant thing in the world. Rest, everything changes. Every field there is a change. Every field there is a change. And you have to find the opportunity. आज से 25 साल पहले अगर मैं आपको कहता, इस देश में पीने का पानी आपको खरीदना पड़ेगा 25 रुपया लीटर, आप मुझे क्या बोलते, बुढ़ा सठिया गया, ये रोड़ा भेजो इसको। Today is it not a reality? When you ordinary people like you and me, we travel, we don't have a tap water. We'll purchase that 200 ml bisleri. 5 rupees ka hai, 6 rupees ka hai. So it becomes 30 rupees a liter. And it is not mineral water for your information. Read that particular line again. It is only packaged drinking water. You know the business? 11,000 crore is the business volume. Only of packaged drinking water. Idea. Before 25 years, if somebody would have told you that in this country there is going to be a mobile or the phone which doesn't require wire, kya baat karte ho, pagla gaya. Today all of you without exception, are you not carrying mobile in your pocket, someone with two sims? You know the mobile population of this country, population of this country is 135 crore unaudited population, human population, mobile population 120 crore audited with 80 crore smartphone. Is it not a change? Bajaj ki scooter, khas half, wo kick marne wali. Wo jab tak teda nahi karte, wo chalu hi nahi hota. Abhi bachche log ko kya chahiye? Scooter thodi chahiye, button start chodo, wo bhi nahi, isko to bike chahiye. Zoom! Speed thrills but kills.
So the point is, you must accept and find out what your customer wants, and accordingly you have to produce. That is what Mr. Bhandari said in the morning. You can design whatever he wants. Before 25 years, if I would have told you that in banks will run in two shifts, पहले 11 to 2 था, इतनी मस्ती थी वो लोगों को, अगर 2:02 में आप गए, आज अगर वो खाना खाता है ना, तो भी आएगा लेके जाएगा, आपके सोसाइटी के अंदर बॉक्स रहता है, चेक बॉक्स उसमें डालिए, आपके वहां से लेके जाते हैं, they want to survive, survival of the fittest, therefore you need to change, you need to change, come on, what else, तुम लोग, तुमको क्या लगता है, मास्टर भूल गया, बोलता नहीं है मास्टर, हाँ सर, human satisfaction, you have to be satisfied and contented, ठेविले अनंत पैसेची रावे, चित्ती असो द्यावे, समाधान बसा बोंबलत तिथच, no, first try as if everything depends on you, and then leave it to the God as if everything depends on him, what we do, पाटून तो करने काही नाही, सर इधर नहीं है ना, सबके आगे दौड़ू, इसके आगे कहां दौड़ू, वो ट्रक के पीछे एक वाक्य लिखा रहता है, समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, इसके लिए जिंदगी भर वो हरामखोर ट्रक ही चलाते, और दूसरे कब उससे मालिक बनते उसको पता भी नहीं चलता, पता ही नहीं चलता. सो द पॉइंट इज, work as if everything depends on you. And I'll tell you, sir, you may call me ki that I'm an anti this thing, something like that. Never believe in luck. Even if luck is there, its percentage is only 1%. 99% is your work. Ek din aaya mere paas. Kya naam re? Shubham mere ko bola, sir, ye meri dhanresha hai. Wealth line. Ye aisi jati, sir. Ye aisi jati thi na. Birla company ka malikich mein hota tha. अभी इसको हमारे मराठी में बहुत सुंदर कहावत है, आत्याबाईला मिशा असले आत्या तर मी त्यांना मामा म्हणालो असतो, इसका मतलब अगर आंटी के मूछे होती तो मैं उसको अंकल बोलता, उसको मूछ आएगी नहीं तो उसको अंकल बोलेगा नहीं, इस पर भरोसा नहीं, इस पर भरोसा कर, कर खुद ही को बुलंद इतना अर्थक धीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है, और अपन लाद घालील तिथ पानी काढ़ेल, ये घर में जाता है छोटी बहन उसको लात मारता है उसके आंख से पानी निकालता है, ये मर्दानगी तेरी, नो, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड इफ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, रिमेंबर लेडीज एंड जेंटलमैन, नोबडी विल बिलीव यू. इसका एक एग्जांपल, अगेन ह्यूमरस एग्जांपल, इसने होटल चालू किया, चले गए, क्या नाम है, सहीराज, और इसके होटल में ये चाय पीने के लिए आया, क्या नाम है, ध्रुव, और ये अपना तंबी बोलते हैं ना, वो वेटर को तंबी बोलते हैं, तंबी मतलब छोटा भाई, उसको छोटा भाई है तमिल भाषा में, उसको छोटा भाई बोलते हैं, तो ये आया ऑर्डर दिया, आए चाय ले, क्या इसने चाय लाया, बेचारा हुकुम का ताबेदार, इसने एक घूट चाय पिया, चाय में घासलेट का वास, घासलेट जानते केरोसिन, आता माजी कटकी, इसको बोला ये चाय है, इसमें घासलेट का वास है, किधर तेरा मालिक, ब्लास्ट उसको, उसने शांति से बोला, हमारा मालिक बाजू वाले होटल में चाय पीने को गए, अब अगर तेरी क्वालिटी पर भरोसा नहीं तो दुनिया तेरे ऊपर भरोसा क्यों करे, एंड माय पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन इज, कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, एंड ऑल अलोंग इंडियन कंपनीज हैव ट्रीटेड कस्टमर एज अ कस्टमर, हिंदी में कस्टमर, कष्ट करून मर तो कस्टमर, अब वो क्या बोलता है, तू कष्ट कर नहीं तो तू मर, आई हैव अ चॉइस, यू डोंट हैव अ चॉइस, टुडे देयर इज अ सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन, आई लाइक टू गिव यू जस्ट टू नैरेट हाउ टफ कॉम्पिटिशन इज इन एवरी फील्ड, वन एग्जाम्पल, यू नो फॉर एमबीबीएस यू हैव टू अपियर फॉर सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मालूम है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, देयर वर टू, लास्ट पोजिशन वॉज वैकेंट एंड टू कैंडिडेट्स वेर रनिंग पैरेलल, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, इसका समझो 180 है सीटी का स्कोर, इसका भी 180 है, किसको देंगे, देन दे सेड ऑल राइट, 12th का देखते हैं, इसका 75%, इसका भी 75%, किसको देते हैं, देन दे सेड लेट अस सी पीसीबी, फिजिक्स
chemistry and biology. All three same. No difference. Then they said SSC. Again 80%, 80%. Extracurricular activities, number of certificates earned. He had 8 certificates, he also had 8 certificates. Whom to give? Or railway ka track hota na, parallel. Milta kabhi nahi hai. What to do? Ultimately, they went with their initials. Can you believe? 4 initials also match. This fellow had D, this fellow had D. Second was E, second was E. Third was S, third was S. Fourth was H, fourth was H. Fifth got changed. He was a Deshmukh and this fellow was a Deshpande. P comes later, M comes first. So Deshmukh got a chance, Deshpande was left out. Kitna bura laga hoga usko. Chala mai Deshpande kyun hua, Chaudhary kyun nahi hua. Chaudhary hota to C pehle aata hai na. This is the competition. And in this competition, you have to have edge. So what Mr. Bhandari was telling, I subscribe his view, you have to be jack of all and master of one. If you are a chartered accountant, don't restrict yourself only to chartered accountancy or audit. No. You must know how the manufacturing process goes on. You must know how the people are hired. You must know where the markets are there. You must be able to do the product costing, process costing. You have to have. You have to have multi-skilling and multi-tasking is the order of the day. You cannot survive. Wo zamana gaya. And the best example of multi-skilling and multi-tasking is your mother. Karti ki nahi karti sab kaam? Khana bhi banati hai, jhadu bhi lagati hai, kapde bhi dhoti hai, bartan bhi saaf karti hai. Tum log jab chote the to tumhara padhai bhi liya. Aur usko kya hai? छुट्टी है उनको, आप लोगों को है? कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव, वीकली ऑफ, पेड हॉलीडे, ओवर टाइम, कॉम्पेंसेटरी ऑफ, ऐसा कुछ है? अच्छा कोई सैलरी वैलरी मिलता है? बेसिक सैलरी, डीए वगैरह कुछ नहीं. अच्छा प्रमोशन दिया, अतुल जी याद आता है? जूनियर वाइफ, सीनियर वाइफ, डेप्यूटी चीफ. वो रहता है ना हायरार्की, रहता है ना मैनेजमेंट हायरार्की. बोले नहीं कैसे सर, पहले सिर्फ बीवी थी, बाद में मां बनी, मां बनने के बाद कुछ दिनों के बाद सास बनेगी, सबसे बड़ा डिमोशन है वो. बीइंग ए मदर इन लॉ इज द बिगेस्ट डिमोशन, बट शी डज बिकॉज शी हैज 101% कमिटमेंट. इंडियन लेडी विच एवर रिलीजन शी बिलोंग, शी सेज ओनली वन वर्ड, आपके साथ डोली में बैठ के आई थी, अर्थी पे लेट के जाऊंगी. दिस इज द कमिटमेंट व्हाट यू मस्ट हैव. एंड दिस कमिटमेंट व्हाट एवर प्रोफेशन यू आर इन, जो भी काम करो क्वालिटी काम करो. सी लुक एट स्मृति मंदाना, कितने लोग जानते थे 5 साल पहले? 5 साल पहले एनीबडी न्यू स्मृति मंदाना बिफोर 5 years? नो. टुडे यू फाइंड आउट 1% हु डजंट नो स्मृति मंदाना. अपनी कम्युनिटी के वर्ल्ड टॉप मोस्ट लेडी क्रिकेटर, पढ़ाई नहीं लेकिन उसके अंदर, लेकिन क्वालिटी थी. सचिन तेंदुलकर इज अ 12th फेल. His wife is a pediatrician. After retirement, he must have retired at least 10 years back. Still, he pays income tax of 9 crore rupees. Kyon? Jab idhar khada rehta tha, to pura dhyan kidhar rehta tha? Aane wale ball ke taraf, aur usme se phir chaukon ki aur chhakkon ki barish hoti thi. Aur apna idhar dekh rahe hai, idhar reh gaya, nazar hati, durghatna. इसको पूछा वो लड़का अपना 22 किलो वाला, मर रहा है तू क्या करेगा? बोला उसके मुंह में मैं बिरला व्हाइट सीमेंट डालू. बिरला व्हाइट सीमेंट. बोला क्या आदमी रे? बोले काबरा जी आप टीवी देखते हैं कि नहीं? इस सीमेंट में जान है. ऐसा जानदार सीमेंट उसके मुंह में जाएगा तो उसका जान वापिस नहीं आएगा. सो द पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो भी काम करना है उसके अंदर जान डालो. You will be successful. I think you had asked this question. I think ki that sir, oh chartered accountant ko kam milte hain, engineering ko zyada milte hain, fir kya karna? Jo bhi karo, usme jaan dalo. And let me tell you, sir, if your hobby becomes your profession, enjoyment is more. But all of us are not lucky. For them, there is another sentence. If you do not get job you love, start loving the job which you have got. Wo to aapke hath mein hai. Prem karo apne kaam ke. हर एक को क्या लगता है जो फील्ड में है ना, दुनिया का सबसे बेकार फील्ड मतलब मेरा फील्ड. सर पिछले जिंदगी में पास किया था, सीए के लिए है.
आया तो आया, यही आर्टिकल के लिए यही मिला था मेरे को। उसका बॉस कितना अच्छा है, वो बोलता क्या मालूम तेरे को, एक दिन काम कर तेरे को पता चलेगा। दूर से ढोल सुहाने लगते हैं, पास्चर्स आर ऑलवेज ग्रीनर फ्रॉम द डिस्टेंस। इट्स नॉट ट्रू। वॉट एवर जॉब यू गेट, यू मस्ट पुट हार्ट इन टू इट। एंड देन आई विल गिव सिंपल एग्जाम्पल, लेट अस से इवन मारामारी करने का ना, क्वालिटी मारामारी करने का, चिल्लर मारामारी नहीं करनी, क्वालिटी मारामारी करने। कल के दाऊद का कई गुंडा पुलिस ने मार दिया, वैकेंसी तैयार हो गया, उधर भी एचआर डिपार्टमेंट, हाँ पोजीशन आ गया, शूटर्स वांटेड, ये दोनों ने अप्लाई किया, बोले जान दे अभी सीए में कुछ रखा नहीं, जाते बोले अपन उधर। अब तुम लोगों का थोबड़ा देख के दाऊद सिलेक्ट करता है क्या, नहीं। ये आपको बोलेगा, आपको राइट राइट वन एसे ऑन एडवांटेजेस ऑफ शूटिंग, जिसका एसे ठीक रहेगा वो सिलेक्ट। आप लोगों का जॉब टेस्ट लेगा, प्रैक्टिकल, दोनों के हाथ में देगा घोड़ा, घोड़ा मार, घोड़ा। इसने क्या किया, 25-50 गोली मारने के बाद गलती से एक लगा, और इसने पहले ही गोली से 50 मीटर का टारगेट उड़ा दिया। सिलेक्शन किसका होगा, शार्प शूटर है, ही विल बी सिलेक्टेड। जो भी करना है उसके अंदर क्या करो, क्वालिटी रखो, जान डालो, जान डालो, देर इज नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। लेट्स डू वन एक्सरसाइज। तुम दोनों लड़की लोग आओ, आओ इधर, सर यू हैव टू गाइड मी व्हाट टाइम वी हैव टू लीव देम फॉर अ लंच। ऑफकोर्स मेरे को भी लंच करना है ना। यस, तेरा नाम क्या है, शिवानी, तू बड़ी है कि छोटी है, अरे यार ये गड़बड़ वाला है, लड़की लोग को उम्र पूछना बोले तो पाप। एनीवे जान दे, तू बड़ी ऐसा मान लेते, ये तेरी छोटी बहन है, गलती किया था लगा देने का, एक कौन से हाथ से लगाएगी, जरूरत पड़ा था सीधे हाथ से, बाएं हाथ से, सीधे हाथ से, और तू ऐसे जा रही है और कोई सरफिरी आई और तेरे कान के नीचे आवाज करके गई, तू गांधी जी बनेगी क्या, इधर भी मारना है। तू जवाब देगी ना, कौन से हाथ से, सीधे हाथ से या बाएं हाथ से, सीधे हाथ से। मैं यहां लोगों को तोड़ने के लिए आया क्या, जोड़ने के लिए आया, तोड़ने का काम एकता कपूर करती है, मैं नहीं करता, उसको उसका काम करना है, उसको उसका काम करने दो, अपने को अपना काम करने का, झापड़ मारने का नहीं। ओके, तो जब झापड़ मारने का नहीं तो सीधे हाथ का प्रयोग क्यों करने का, तेरा लेफ्ट हैंड निकाल, लेफ्ट, वो लेफ्ट है ना, हाँ ये बंद कर, केवल उंगली रख तेरी छोटी, हाँ तेरा भी लेफ्ट हैंड। ये स्कूल में अपन जाते थे तो क्या बोलते थे, कट्टी नहीं उधर जाओ, अभी नहीं, अभी टाइम है। ये है चॉक पीस, वैसे तो 20 पैसे का, लेकिन अपना हाथ लग गया, इसकी कीमत हो गई 200, तो गिर गया और टूट गया तो मैं तो मेरे 200 वसूल करूंगा। मियां मरे चाहे काजी मरे, दक्षिण बीबी मरे, काजी को तो दक्षिणा से मतलब, ठीक है। ओके, तेरी उंगली निकाल, बता उंगली, हाँ शाबाश, तू लगा इधर। अब मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से सुन, ये उंगली नीचे रख, ये चौक पीस कितने का है, 200। ओके, ये चौक पीस को अड़ाई रखने का, खड़ा नहीं करने, एक दूसरे को टच नहीं करने, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं की, यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू ईच अदर। वो ये दरवाजे से जाने का, उधर में काउंटर में कुछ पड़ा होगा, ग्लास फास जो भी है लेके आ जाए। ओके, और अगर चॉक पीस नीचे गिरा और टूटा, 200 रुपया कैश। हाँ, मैं स्वाइप मशीन लाइन, जो प्लानिंग फानिंग करने का कर ले, हाँ करो ना, अरे बिल्कुल, तुम करो ना एक्सरसाइज, वार्म अप, वार्म अप, वार्म अप, हाँ हो गया, हो गया वार्म अप, हाँ, हाथ नीचे, ये हाथ नीचे, आराम, आराम से, आराम से, कोई जात नहीं, उतावल नहीं, एक बीजा ने टच नहीं करवानो, आराम थी, आराम थी, हाँ, अरे इतना अच्छा काम कर रहे, तालियां बजाओ, बात करने का नहीं, बात करने का नहीं, बात करने का नहीं, निकलो, नहीं तो शाम को 5 इधर ही, शाम को 5 इधर ही बज जाएंगे। ऑलराइट, वेरी गुड, यू कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, यू कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, आराम से, आराम से, शाम 5 बजे तक आने का उम्मीद है, आ जाएंगे, हाँ क्योंकि उनको भी तो लंच करना है। बात, पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड, आराम से, आराम से, शिवानी और क्या नाम है,
वैष्णवी, ऑलराइट, ये देखा फुकट के सलाहकार, पीपल विल गिव टन्स ऑफ एडवाइस इवन इफ नॉट आस्क, आराम से. एक वकील ने लिखा था वी गिव फ्री एडवाइस FEE, तो मैंने उसको पूछा सर आप आर लिखना भूल गए, बोले बिल्कुल नहीं बोला, फ्री एडवाइस देता ही नहीं, बोले फी लेता हूं फिर एडवाइस देता हूं, और अपन फ्री आराम से आई बात करने का नहीं, और उधर सीसीटीवी लगा हुआ है, उधर कैमरे में होता है, हमारे जासूस जेल के कोने कोने में पहुंचे, चप्पे चप्पे की खबर हमारे पास आती है, हमारे रहते हुए यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आराम से आराम से आराम से, वेरी गुड. ये इधर ही काउंटर है, बगल में काउंटर है, वहां से ग्लास ग्लास प्लेट जो भी मिलता है लेके आ, आराम से आराम से. वाह वाह, मान गए उस्ताद कि सही आपकी पारखी नजर और निर्मा सुपर. क्या एडवर्टाइजर्स है, एवरी एडवर्टाइज आई टेल यू इफ यू गो थ्रू ना, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, नथिंग एल्स. अरे कानून का तुम क्या, गांधी जी के बाद सभी ने कायदे भंगाची चळवळ चालू केली काय तुम्ही? वो मैडम है उधर, वो प्रतिभा मैडम, उनसे हाथ मिला क्या आने का, उधर ही है ना, उधर ही है, प्रतिभा मैडम ही है ना वो, हाँ अच्छा हाँ उनसे उनसे बात, हाँ नहीं नहीं कोई मदद नहीं करेगा, हाँ लागली स्त्री दाक्षिण्य नको तिथ. They will do it. 40% target complete. अरे बाहर गए किधर? बाहर जाके कुछ लाना है काउंटर से, वापिस जाओ, मेरे को मालूम नहीं. You have to go out. अरे वाह. हाँ. Go go go. You can do it. You can. And you will. You will. Yes. हाँ. Yeah, yeah. आराम से आराम से आराम से. अरे वाह 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 वाह. कल के जब इनकी शादी होगी ना, शादी में भी इतना ढंग से नहीं चलेगी. वो सात फेरे के लिए चलना पड़ता है ना. आराम से आराम से. अरे यार तुम काय को सलाह देते हो उसको, कर रही है ना वो फ्री एडवाइस. आराम से. वो मैडम से हाथ मिला के आने का, और तू पीछे जाके देख अपने जासूस कहीं कानून का भंग तो नहीं कर रहे, ये जाके उनकी मदद करके आएगा. वेरी गुड वेरी गुड. अब मैडम को मालूम ही नहीं, बोले मेरे को क्या को हाथ मिला, जाके बोलने का सर ने बोला है, मिला क्या हाथ, नजर आ रहा है, पहुंच तो रहे हैं अभी तक. आए और जैसे अंदर आएगा जोर से ताली बजाने, उसे क्या होगा उनका ध्यान बटेगा, चौक पीस नीचे आएगा, 200 रुपए के चॉकलेट लाके आपको देता हूं, डील. जोरदार तालियां. चलते तेरा अंदर घुस. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. कांग्रेचुलेशन. ओके नाउ प्लीज वेट हियर. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क. डू यू थिंक द एक्सरसाइज वाज सिंपल? इट हैड 7 डिफिकल्ट कंडीशंस. नंबर 1, आई डिड नॉट अलाउ देम टू यूज देयर यूजुअल हैंड. And how did I find which is their unusual hand? By asking them a theoretical question, if you have to slap each other, which hand they will use. And both of them confirm left, right hand. Therefore, left hand is their unusual hand. Correct? In the left hand also, I could have allowed them to use the index finger, the middle finger, the thumb or the ring finger. I did not allow. I allowed them to use the little finger, which is the weakest of all. I did not give the pen. With the pen, job is easy. You can apply as much pressure as you want. I intentionally brought a chalk piece and gave it to them. Chalk piece has got another 2 difficulties. One side is a flat, another side is a tapering. Jisko tapering mila, usko to nani yaad aa gayi.
वो मैंने जानबूझ के किया क्योंकि ये बोली मैं वार्म अप करती हूँ, बोली तू वार्म अप करती तो मैं इसको चेंज करता हूँ। फिर उसको फिर मैंने इसके पास वो फ्लैट दिया, अंदर से उसने मेरे को 50 गाली दी, मेला मुर्दा मेला आशा कर तो। अच्छा मैंने आपको क्या कहा कि आपको इसको आड़ा ही रखना है, खड़ा नहीं करने का। इफ आई वुड हैव अलाउड यू टू पुट इट वर्टिकल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई वुड हैव बीन अचीव्ड द जॉब कुड हैव बीन इजी। देन आई टोल्ड देम यू कैन नॉट टच ईच अदर। इफ आई वुड हैव अलाउड यू टू टच ईच अदर यू वुड हैव बीन एक्सटेंडिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू ईच अदर एंड द जॉब कुड हैव बीन डन इजी। देन आई टोल्ड देम यू कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, कैसे कम्युनिकेट करेंगे। देन फाइनली आई टोल्ड देम व्हेन आई रियलाइज दैट यू आर लाइकली टू बी सक्सेसफुल देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन। वहां से आ रहे थे जवाहर, फिर ये हालत तिकड़दार में है, मैं खोल देता बोला नो मैडम नेवर न्यू दैट शी हैज टू हैव अ हैंडशेक, शी आल्सो गॉट कंफ्यूज एंड देन व्हेन यू केम वी हैड अ डील विद दिस पीपल। हाँ शाउट करे, तालियां बजाए, आपका अभिनंदन करने के लिए नहीं थी, डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन, वी हैड ए विकेड इंटेंशन। एटलीस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू विल लूज योर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस एंड द चॉक पीस विल फॉल डाउन। इफ इट वुड हैव फॉलन डाउन आई वुड हैव गॉट 200 रुपीज एंड विद दिस 200 रुपीज आई वुड हैव बॉट कैडबरी एक्लेयर्स एंड गिवन इट टू देम। तो ये जो तालियां थी ना कैडबरी के लिए थी तुम्हारे लिए, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द हर्डल्स यू हैव कम सक्सेसफुल। नाउ at the outside let them congratulate with open hands. Please sit down. Now tell me, what did we learn besides all these points? There are other points also, come on. What is it? Coordination, concentration, patience, focus, calmness, keeping your mind cool, sangharsh, perseverance. Initially they thought it is not achievable. Both of them confirm. Please, जाने वाला है। कैसे जा सकते हैं? So you have to change strategy, planning, everything. And most importantly, मैडम आ गई मतलब लंच का टाइम हो गया, बराबर ना? हाँ, 5 more minutes. इतना पूरा जाने दो. Don't take free advices. Though people were giving you. ये बाद में बोली दुश्मन का चाल है, उधर ध्यान मत दे। पीपल वुड वॉन्ट यू टू पुट यू इन टू खड्डा। आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, यू डोंट स्पीक, योर एंटायर बॉडी स्पीक्स। फेथ, यू हैड अ फेथ इन योर सेल्फ, यू ऑल्सो हैड अ फेथ इन योर कलीग। कैलिबर, इसमें कौन सा कैलिबर है, इसके पहले यही करती थी क्या? नहीं, आई एम जस्ट, मेरा क्या है, आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरी लर्निंग शुड बी विथ लॉफ्टर, देयरफॉर नो इंटेंशन। ओके, सो द पॉइंट इज यस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली विच अप्रोच डिड दे यूज। लेट्स इमेजिन इन द मॉर्निंग दे हैड फाइट, वैष्णवी एंड शिवानी, तो इससे क्या करती थी, जानबूझ के गिराती, मेरे 100 रुपए गए तो चलेगा, तेरे भी जाएंगे ना। इंसान अपने दुखों से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुखों से होता है। इज इट ट्रू, इज इट नॉट ट्रू? दे हैड नो ऑप्शन बट टू गो फॉर विन विन अप्रोच। ये शिवानी ने इसको बोला, ए इधर मेरा बाबा सबके सामने यार इज्जत का फालूदा हो जाएगा, तू कुछ भी कर लेकिन यहां पे मत गिरने दे, मांगता है तो शाम को मैं तेरे को चाय पिलाई, सबका चाय का बिल मैं देगी। एंड टेल मी ऑनेस्टली, डू यू थिंक यू डिड दिस ओनली टू सेव योर 200 रुपीज? No, then why did you do? हाँ, तो मारवाड़ी है तो पैसा तो थोड़ी जाने वाला है आपने, जा है ना? हाँ, लेकिन बाद में you took it as a challenge, yes I can, and the moment you realize that you can, you did, and the approach was win-win approach. In a life, always go for win-win approach. मुझे भी जिंदा रहना है, सामने वाले को। The point is, if you go, अगर इवन इफ यू विन एट द कॉस्ट ऑफ अदर, उसको हरा करके अगर आप जीत भी गए, वो सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है काबरा आज तेरा दिन मार ले बोम, जब मेरा दिन आएगा तेरे को नहीं छोड़ूंगा कालिया। सी आई टेल यू, एवरी मूवी यू वॉच देर इज अ मैनेजमेंट।
two important management principles I'll tell you from Sholay and then we'll take a break. One, the job which you cannot, never leave any job half done. Gabbar Singh ka sabse bada galti kya hua? Thakur ke haath tod dali. Thakur ne usko pair se kuchal diya. Full to finish karne ka na. Hai kuch chala half. Full to. बहुत ताकत है तेरे हाथ में, तेरे हाथ मुझे दे दे ठाकुर, खड़ा और नाउ यू कैन नॉट डू द जॉब. ही वांटेड टू कैच, नाउ हाउ कैन ही कैच, हाथ ही नहीं ना. अबे ऐसा पकड़ने का, ऐसे पकड़ने का, कैसे पकड़ेगा? सो ही हैड नो ऑप्शन बट टू आउटसोर्स. सो आउटसोर्सिंग इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, इट इज क्वाइट ओल्ड कंसेप्ट. एंड ही आउटसोर्स रूम वीरू एंड जय. व्हाई वर दे चोजन फॉर आउटसोर्सिंग? क्वालिटी वॉज प्रूव्ड. At the start of the movie, वो ट्रेन को लूटते हैं ये दोनों, 50 घोड़े और 50 डाकू फ्लैट. तो संजीव कुमार न्यू दैट दे हैड अ क्वालिटी, बट यू हैव टू रीचेक. आपके पास होता है ना, चेक करवाए, रीचेक करवाए, वेरीफाइड बाय, अप्रूव्ड बाय. सो दे हैड टू रीचेक. सो दे गेव हिम असाइनमेंट. उसको लाया बंगले में, बंगले में लाके गेस्ट हाउस में रखा, आउट हाउस जो भी बोलते हो. His own people were planted there. So they attack. अभी तो हिंदी सिनेमा के हीरो है, वो तो मार खाने के लिए थोड़ी पैदा होते. और दोनों को सबको फ्लैट और ऐसा करके आते हैं. और उधर से ठाकुर बोले, ठाकुर साहब अजीब बात है, हमारे ऊपर आक्रमण हुआ. ठाकुर क्या बोलते, मेरे ही आदमी थे. हाँ, आपने ऐसा क्यों किया? उसके बाद का डायलॉग सुनिए सर, दिस इज एसेंस ऑफ लाइफ. मैं ये देखना चाहता था आपके बाहुओं में वही दम है या समय के दीमक के साथ खोखला हो. क्लास. बोले फिर आपने क्या सोचा? मैंने आपको बुला के कोई गलती नहीं की. और धर्मेंद्र धीरे से बोलता है, गलती की, तिजोरी दिखा के. वो तो भला हो जाए बच्चन का, वो आ गई. अदरवाइज उन दिन उनका प्लान तो रेडी था, प्लान बी संध्या का. सो द पॉइंट इज, इट नॉट अ लर्निंग? फॉर लर्निंग द ओनली लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेक is you have to keep open mind. समझो ये अपना क्या नाम है तेरा, मोहित, ये हवाई जहाज चला रहे, चलेगा तेरे को? चलेगा रे, बैठने वाले को तकलीफ, तेरे क्या तकलीफ? तेरे क्या लेना देना है? अब ये आपको फुकट लेके जा रहा है किसी की हिम्मत? अब मैडम क्या बोली, अब ये तो मेरे ही विद्यार्थी है तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा. मैडम अकेले मैं ही मिला क्या तेरे को? एनीवे, तो मैडम अकेली, इसने हवाई जहाज उड़ा तो दिया. यू नो वंस इट इज टेकन टू अ पर्टिकुलर हाइट, इट इज पुट ऑन ऑटो पायलट. देन पायलट डजंट हैव मच ऑफ वर्क. ही कैन ईट नाश्ता, लंच, एक्सेट्रा, वट एवर ही वॉन्ट्स. ही कैन टेक अ कंट्रोल स्लीप. ही कैन कम आउट ऑफ द कॉकपिट एंड हैव अ चिट चैट विद द पैसेंजर ऑल्सो. सो ही केम आउट ऑफ द कॉकपिट आफ्टर हाफ एन आवर, 45 मिनट्स. मैडम नो बडी टू टॉक. खिड़की से देख रही थी, बोला मैडम प्रॉब्लम हो गया. बोला क्या? मैं हवाई जहाज में पेट्रोल डालना भूल गया. सत्यानाश, जिंदगी का रिस्क मैं नहीं लिया जो तेरे हवाई जहाज में बैठे. फिर तूने लोचा कर दिया. बोले फिर? बोले मैडम आपका चिंता, इसके लिए तो मैं आया ना, ये पैराशूट लो, लगाओ छलांग. अब मरते क्या ना करते. तो मैडम ने पैराशूट लिया, छलांग लगाई, पैराशूट खुला ही नहीं. द्रोणालय क्लास क्लोज टुडे. लीव द ह्यूमर अपार्ट, बट द पॉइंट इज, मैडम की जान क्यों गई? क्योंकि पैराशूट खुला नहीं. जैसे बंद पैराशूट इंसान के काम का नहीं होता, वैसे ही बंद मन इंसान के काम का नहीं होता. थैंक यू वेरी मच. टेक अ ब्रेक.